आपके अपने चैनल नाट्याधीश में आपका स्वागत है। हमारा चैनल रोचक कहानियों के साथ साथ समाज से जुड़ी तथ्यों को भी उजागर करने की कोशिश करता है। हमारी कोशिश आपको इंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन देने का भी होता है। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके सहयोग के लिए धन्यवाद, और जो नए दर्शक हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारी हिम्मत है। सामंतवाद और जमींदारी दो ऐसे शब्द हैं जो शुरू से अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाते आ रहे हैं। सामंतवाद से गुलामी, गुलामी से अत्याचार और अत्याचार से बगावत एक घटनाक्रम है, और यही घटनाक्रम इनकलाब भी पैदा करता है। बगावत विद्रोह पैदा करता है और विद्रोही आजादी। आज की कहानी इसी बगावत, विद्रोह और आजादी के बीच की है, जिसमें किसान सामंतवाद और जमींदारी से छुटकारा चाहते हैं। आज के प्ले का नाम है श्राद्ध। कहानी ऋषिकेश सुलझ जी का है, जिसका नाट्य रूपांतरण अभिषेक चौहान ने किया है और प्ले का निर्देशन राजेश राजा द्वारा किया गया है। यह प्ले विश्वा पटना की प्रस्तुति है। कहानी आजादी के बाद की है। अंग्रेजों के जाने के बाद भैरव बाबू बड़े जमींदार के रूप में उभरे और उनकी प्रजा उनके खेतों के मजदूर बन गए। भैरव बाबू अपनी जनता को बताते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश में पैसे की कमी हो गई है और हमारे नेताओं को देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए इस साल से मालगुजारी का रेट दुगना करके उनको पैसे भेजेंगे ताकि देश को चलाने में उनको दिक्कत ना हो, और ये हमारा देश के लिए धर्म और फर्ज दोनों है। कई सालों तक मालगुजारी दुगना भरकर गांव के मजदूर मजदूर ही रह गए और भैरव बाबू अमीर बनते गए। आगे एक परिवार को दिखाते हैं जिसमें सोहरैया और उसकी पत्नी है। सोहरैया भैरव बाबू के यहाँ मजदूरी करता है। सोहरैया जब घर वापस आता है तो भैरव बाबू के बेटे की कहानी सुनाता है कि क्रांति को बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि दिक्कत उसकी बीवी में नहीं बल्कि क्रांति में ही है। इस सीन में सोहरैया और उसकी बीवी के बीच के प्यार को भी दिखाने की कोशिश की गई है। गांव का पंडित पूजा कर रहा है और उसी बीच अपने चेले के साथ बहस का नोकझोंक भी कर रहा है। तभी वहां भैरव बाबू आते हैं और क्रांति के बाप ना बन पाने की बात करते हैं। पंडित भैरव बाबू को देवी की मन्नत में एक सांड को दाकर छोड़ देने की बात करता है। अगर देवी ने सुन लिया तो बच्चा हो जाएगा, नहीं तो क्रांति की दूसरी शादी कर दी जाए। दूसरी तरफ क्रांति मुजरा देखने में बिजी था। तभी भैरव बाबू वहां पहुंचकर उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं। क्रांति बस्ते बचाते वहां से भागता है। भैरव बाबू घर पहुंचकर क्रांति को मारने के लिए ढूंढते हैं, मगर उनकी पत्नी बेटे का बीच बचाव करती है। भैरव बाबू बताते हैं कि पंडित ने सांड छोड़ने की बात की है, नहीं तो क्रांति की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्रांति की बीवी भी यह बात सुन रही होती है। अगले दिन भैरव बाबू और उनकी बीवी कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहां सोहरैया पहुंचता है। भैरव बाबू सोहरैया को लेट आने के लिए डांट रहे होते हैं, मगर उनकी पत्नी फिर से बीच बचाव करके सोहरैया को काम बताकर वहां से भैरव बाबू को ले जाती है। सोहरैया अपने काम में लगा है, मगर क्रांति की बीवी सोहरैया के साथ जबरदस्ती करती है, क्योंकि उसको सिर्फ एक बच्चा चाहिए था। क्योंकि दोस्त क्रांति में था और उसकी पत्नी अपने सामने क्रांति की शादी होते नहीं देख सकती थी, इसलिए क्रांति की बीवी ने सोहरैया को अपना शिकार बनाया। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सोहरैया की अचानक मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ क्रांति की बीवी गर्भवती, वो सोहरैया के बच्चे की माँ बनने वाली है। भैरव बाबू सोहरैया के घर से उसका बछड़ा उठा कर ले आते हैं, पंडित के अनुसार मन्नत मांगकर छोड़ने के लिए। सोहरैया की बीवी बहुत मिन्नत करती है, मगर भैरव बाबू उसकी एक भी नहीं सुनते और जबरदस्ती बछड़े को ले जाते हैं। सोहरैया की पत्नी उसे बहुत कोसती है। इससे पता चलता है कि बड़े और अमीर लोगों को सिर्फ खुद से मतलब होता है, भले उसके साथी और सेवक उनके कारण कितनी भी मजबूरी में पड़ जाए या उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए, मगर उनको सिर्फ खुद के सुख और आनंद से सरोकार होता है।
भैरव बाबू के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है। उसकी खुशी में जश्न और पूजा का आयोजन होता है और किरांती पूजा के अंत में सुहरैया के यहाँ से लाए हुए बछड़े पर दाग देकर मन्नत के लिए छोड़ देता है। आगे की कहानी में एक जोड़े को दिखाते हैं। मोहना और उसकी बीवी आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके कारण उसकी बीवी घर छोड़कर मायके जा रही थी। मोहना उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बीवी नहीं मानती और बीच सड़क पर ही झगड़ने लगती है, जिससे गुस्सा होकर मोहना उसे वहां से भगा देता है। जब मोहना के माँ बाप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मोहना गुस्से में बोलता है कि वह अपने नैहर चली गई है। उसकी माँ बोलती है कि पूर्व में लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, तो मोहना के पिता अपनी बीवी को टोंट करते हुए कहते हैं कि वो भी तो पूर्व की ही है। इस नोकझोंक के साथ यह सीन खत्म हो जाता है। समय बीतता है और भैरव बाबू का छोड़ा हुआ सांड किसानों की फसलों को बर्बाद करता रहता है। मजदूर चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो मन्नत का सांड था, ऊपर से भैरव बाबू का। गांव वाले आपस में हिलड़ जाते हैं, ये बोलते हुए कि जरूर सुहरैया की बीवी का श्राप है, क्योंकि जब वो मुसीबत में थी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी दूसरी तरफ से सांड को मारने के लिए आवाज आती है और सभी दूसरी तरफ भाग जाते हैं। सांड को डंडा मारने के कारण भैरव बाबू एक मजदूर को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और धमकाते हैं कि अगली बार सांड को एक डंडा भी पड़ा तो खाल निकलवा कर भूसा भरवा देंगे। सांड के द्वारा बुदना का फसल बर्बाद कर दिया गया था, जिसके कारण वो भैरव बाबू को मालगुजारी देने में सक्षम नहीं था। बुदना भैरव बाबू का पांव पकड़ लेता है कि इस बार मालगुजारी माफ कर दे, वरना उसका परिवार भूखा मरने लगेगा। मगर भैरव बाबू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मालगुजारी के साथ बुदना का बचा हुआ अनाज भी रख लेता है और नुकसान बुदना के मत्थे डालकर वहां से मारकर भगा देता है। कहानी में आगे देखते हैं कि मोहना गुस्से में आता है। उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या भैरव बाबू ने कुछ मेहनत आना दिया, तो मोहना चिढ़कर बोलता है कि उनका जन्म ही सिर्फ बेगारी करने के लिए हुआ है। भैरव बाबू उनसे गुलामी करवाते हैं और मजदूरी मांगने पर सिर्फ मारते हैं। मोहना कहता है कि उसका मन करता है कि भैरव बाबू को मारकर फांसी चढ़ जाए। उसका पिता उसको समझाने की कोशिश करता है कि यह सही बात नहीं है। मोहना की माँ मोहना को समझाते हुए बात को घुमाती है और उसे समझा बुझाकर उसकी बीवी को लाने के लिए भेज देती है। यहाँ से अब भैरव बाबू के जुल्मों के खिलाफ बगावत की बू आने लगी थी। अब जरूरत थी बस इस चिंगारी को हवा देने की। रात का वक्त किसान मजदूर अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं और उनकी आंख लग जाती है। तभी उनके खेत में भैरव बाबू का सांड घुस जाता है, जिससे लड़ते वक्त मोहना के पिताजी का देहांत हो जाता है और सांड उनको बाकी मजदूरों के सामने फेंक कर भाग जाता है। मंगरू की लाश पड़ी है और उसकी पत्नी रो रही है। वहां मोहना अपनी बीवी को लेकर पहुंचता है। शोक का माहौल। तभी भैरव बाबू वहां आकर मंगरू के क्रियाकर्म के लिए कुछ पैसे उधार देने की बात करते हैं और साथ में धमकी देकर जाते हैं कि इस मामले को पुलिस में लेकर जाने की जरूरत नहीं और ना ही सांड को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। मोहना गुस्से में आकर सांड को मारने के लिए बैठता है, मगर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि गुस्से में अपना बदला तो ले लेगा, मगर उसका हर्जाना पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। मोहना और गांव वाले लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। लोगों को बगावत की चिंगारी के लिए जिस हवा की जरूरत थी, भैरव बाबू ने इंसान की जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण सांड की जिंदगी को बताकर वो हवा दे दी, जिसका असर मोहना में साफ दिख रहा था। सारे गांव वाले एक साथ बैठे हैं और मोहना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलत कदम ना उठाए, जिससे नुकसान सबको उठाना पड़े। मगर भैरव बाबू का अत्याचार और निर्दयता अब बर्दाश्त के परे हो चुका था, इसलिए कुछ लोग मिलकर सांड को मारने के लिए निकल जाते हैं। मोहना की माँ भी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर मोहना सबको अनसुना करके वहां से चला जाता है और सभी लोग मिलकर सांड को घेर कर मार डालते हैं।
सांड के मारे जाने के गुस्से में भैरव बाबू पुलिस वालों को पैसे देकर गांव वालों को मारने का ऑर्डर देते हैं। उसी बीच पंडित जानवर की हत्या से वंश पर लगे पाप को हटाने के लिए भैरव बाबू को सांड के लिए श्राद्ध करने का सलाह देते हैं, जिसे मानकर भैरव बाबू इंस्पेक्टर को भी आमंत्रण देते हैं। पैसे लेकर पुलिस वाले गांव वालों की जमकर धुलाई करते हैं और सबको अधमरा सा कर देते हैं। दूसरी तरफ भैरव बाबू के यहाँ श्राद्ध के नाम पर पंडित डांस का प्रोग्राम रखता है। भैरव बाबू के पूछने पर पंडित बोलता है कि यह कोई शोक की बात नहीं है, एक सांड का श्राद्ध है, इंसान का नहीं, और जो लोग आए हैं उनके मनोरंजन के लिए कोई बंदोबस्त तो होना ही चाहिए, इसलिए नाच की व्यवस्था की गई है। सभी लोग नाच देखते हैं और अब गांव वालों में भी रोष बढ़ चुका था, इसलिए सभी गांव वाले मिलकर भैरव बाबू के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और नाटक यहीं खत्म हो जाता है। अगर हम नाटक की कहानी के आधार की बात करें तो यह बहुत सारे मुद्दों को एक साथ बताने की कोशिश करता है, जैसे जमींदारी में मजदूर मजदूरी करता है मगर अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, वही विपरीत अमीर अमीर बनते जाते हैं और गरीब धर्म से परे कुछ नहीं मगर धर्म के रास्ते पर चलते हुए कोई अधर्म हो जाए तो उसका निदान बड़े लोगों के पास होता है, बाकी गरीब तो धर्म और अधर्म के बीच ही पिसते रहते हैं। उसी तरह बड़े लोगों के लिए गरीबों की जिंदगी एक जानवर की जिंदगी से भी कम मूल्यवान है और अंत में बगावत यूं ही नहीं भड़कती, उसके पीछे एक कारण जरूर होता है। उम्मीद है आपको आज की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अंत में जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले नाटक की कहानी में, तब तक अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखिए।